कि जितनी भी स्क्वायर ट्रिक्स है, सही है, स्क्वायर जितनी भी ट्रिक्स है वो जानेंगे स्क्वायर की क्या क्या ट्रिक्स है हमारे वर्क करने का, वर्क की ट्रिक बहुत आसानी से, ऑल ट्रिक, वर्क की ऑल ट्रिक काफी आसान कर देते हैं चीजों को, सोच पाएंगे काफी आसान चीजें हम करते चले जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शुरुआत करते दीजिएगा। सबसे पहले एक से लेकर के एक से दस तक की तो काफी आसान है, दस तक तो आप आराम से याद कर लीजिए, पता भी होगी। और जब बात आती है आपकी ग्यारह से, ठीक है, ग्यारह से आगे की अगर बात आती है तो सीरियस शुरू होती है। ठीक, जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से ग्यारह का, अगर मुझे ग्यारह का स्क्वायर लिखना है तो ग्यारह में कितने अंक हैं, दो अंक हैं, कितने अंक हैं, दो, तो एक और दो, और बाद में दो के बाद में एक, जितने अंक होते हैं उसके बाद में रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे बारह का स्क्वायर करना है तो मुझे बारह का स्क्वायर कैसे करना है, तो बारह का स्क्वायर करने के लिए काफ़ी आसान चीज़ है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ता है, कहाँ से, बिल्कुल जीरो से शुरू करना होता है। मुझे बारह का स्क्वायर करना है तो बारह से बारह की मीटिंग का एक हुआ, या मैं क्या करूँगा इसको दो अलग अलग जोड़ूंगा, एक का स्क्वायर ये हो जाएगा, दो का ये हो जाएगा, इन दोनों के गुणा का दोगुना ही हो जाएगा, दो दूनी चार, ठीक है, दो दूनी चार जाएगा, उसमें यहाँ पे चार जाएगा, उन्हें कर दो चार, फिर ये चार और फिर ये कितना हो जाएगा, बारह का 144 हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मुझे वर्क करना है तेरह का सारा, तो सारी चीजें बताने वाला हूँ वर्क की, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैथ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, लाइव रहेगा पूरा पूरा मैथ डेली आपके लिए क्लास होती रहेगी, ठीक है। तो तेरह का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो तेरह का फिर वही तरीका, तीन पार्ट में तोड़ लेंगे, पहले में इसका स्क्वायर लिखेंगे एक, इसका स्क्वायर हो जाएगा नौ, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तीन और उसका दोगुना, ठीक है, तो ये नौ लिखेंगे पहले, फिर एक हो जाएगा छः हो जाएगा, छः लिखेंगे फिर एक, तो इस तरीके से इसका वर्ग दोस्तों तेरह का वर्ग होगा 169, कितना होगा 169। चौदह का वर्ग करना है मुझे कितने का, 14 का अगर मुझे वर्ग करना है तभी मैं इस तरीके से करूँगा, तीन अलग अलग सेक्शन तोड़ लेंगे इसके, और तीन सेक्शन में पहले का वर्ग होगा एक, दूसरे का वर्ग होगा यहाँ पर 16, और इन दोनों के जो गुणा में करना हो जाएगा चार, उसका डबल यानी कि 2, 16 का वर्ग होगा 6, 4 गुणी 8 में 1 हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला जो है कितना हो जाएगा, ये और 14 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 196, कितना हो जाएगा 196, ठीक है, 16 का स्क्वायर 196, ठीक है दोस्तों, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 196 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, अगर हमें नेक्स्ट लेसन मिलेगा यहाँ से तो आप आराम से करोगे, अगर थोड़ी संख्या टफ आएगी, टफ का मतलब हो जाता है कि अगर संख्या 50 के आसपास हो, किसके आसपास हो, संख्या आपकी 50 के आसपास हो, 50 के आसपास, अगर 50 के आसपास की संख्या है उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, 50 के आसपास की संख्या का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना है, सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पर कितना 43 लिख दिया, अगर मुझे 43 का स्क्वायर चाहिए तो मैं कितने आसान तरीके से, देखिएगा सेकेंड में स्थान पर लगा सकता हूँ, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक पता होना चाहिए, देखिएगा कैसे, आप ये देखेंगे कि ये 50 से कितना कम हो, 50 से कम है ये 7, तो 25 में से आप 7 घटा दीजिएगा, ठीक है, किसमें से घटाना है 25 में से, अगर 25 में से आप 7 घटाते हैं तो बचता है यहाँ पर 18, कितना बचता है 18, और लास्ट में क्या करेंगे, जिस संख्या को घटाया उसका वर्ग लिख देंगे, यानी कि 18/49, सीधा आप उसमें से घटा के 18/49 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट संख्या आपको देता हूँ, नेक्स्ट संख्या में आपको देता हूँ कि आपको बताना है 55 का, कितने का दोस्तों 55 का बताना है, 55 का स्क्वायर बताना है कि 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप जनरली अपने दिमाग में इस सेटअप सेट कर सकते हैं कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये 5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5,
तो आप 25 में 5 जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 30, और लास्ट में 5 का वर्ग लीजिएगा डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपको दिया जाता है 51 का स्क्वायर बताइए, कितने का स्क्वायर बताइए 51 का स्क्वायर बताइए, तो आपको याद रखना है कि 50 से कितना ज्यादा है, 50 से सिर्फ 1 ज्यादा है, तो आप 25 में 1 जोड़िएगा 26 हो जाएगा, और लास्ट में 1 का स्क्वायर लिखेंगे दो अंकों में बना करके, तो 26 की दो अंक इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि आप 48 का स्क्वायर बताइए, कितने का स्क्वायर बताना है 48 का स्क्वायर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या 50 से कितनी कम है, तो ये संख्या 50 से 2 कम है, तो आप 25 में से 2 घटाइएगा कितना बचेगा 23, तो कितनी कम थी ये 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 अंकों में घटा दीजिए इसका, तो ये 48 का स्क्वायर होगा, ये 51 का स्क्वायर होगा, ये 55 का स्क्वायर होगा, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको तो दे दिया जाए यहाँ पर एक सिंपल सी चीज कि बताइए 64 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, या हाँ चलिए 64 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो आप 25 में 14 जोड़ देंगे, अगर 25 में 14 जोड़ेंगे आपको कितना आएगा 39, और फिर 39 के आसपास आपको कितना पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए 196, तो कितना होता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में केवल दो अंक लेंगे तो ये वाला एक अंक कहाँ मिल जाएगा यहाँ जा करके, तो ये 39 बन जाएगा आपका 40 और 96, तो यहाँ पर देखिएगा 64 का जो स्क्वायर बनेगा वो आपका कितना बनेगा दोस्तों 4096 बनेगा, 4096 बनेगा। अब देखिएगा थोड़े और अंक अगर हम ऊपर चलते हैं तो 50 के आसपास की संख्या होगी, और थोड़ा अगर और ऊपर जाते हैं यानी कि 100 के आसपास की संख्या का आता है, कितने का आता है 100 के 100 के आसपास की संख्या लेते हैं, 100 के आसपास की संख्या, अगर हम 100 के आसपास की संख्या लेंगे तो क्या आएगा 100 के आसपास की संख्या में, ठीक है, तो 100 के आसपास की संख्या में दोस्तों देखिएगा क्या आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ 100 के आसपास की संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 92, आपसे कहा जाए कि आप 92 का स्क्वायर बताइए, तो आपको जनरली ध्यान में रखना है कि ये 100 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 100 से देखेंगे कितना कम है, तो ये 100 से 8 कम है, कितना कम है 8 कम है, तो 92 में से 8 और कम करिएगा, 92 में से अगर हम 8 कम करते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर बचेगा 84, कितना बचेगा 84, ठीक, और इसका स्क्वायर किसका जितना कम है इसका स्क्वायर लास्ट में बचेगा 88, 92 का स्क्वायर होगा 84, 64, ऐसे अगर बात आ जाए आपसे कहा जाए 93 का स्क्वायर बताइए, 93 का स्क्वायर कितना होगा, यह है 7 कम, अगर ये 7 कम है तो आप क्या करेंगे इसमें से 7 और कम करिएगा, 7 और कम करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 86 बचेगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर होगा 49, तो इस तरीके से डायरेक्टली आप 93 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 93 का स्क्वायर कितना होगा 86, 49 होगा। अब देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा और आगे चलने का मतलब कि सपोज आपको बता दिया जाए कि 102 का स्क्वायर बताइए, किसका स्क्वायर बताइएगा 102 का स्क्वायर, तो 102 के स्क्वायर का आपको कंपेयर करना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 का हमने बेस मान लिया, आधार मान लिया, हमने जो बेस है वो बेस 100 माना है, और जितने से हम बेस मानते हैं उसकी कंपेरिजन हम उतने से ही करते चले जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 100 ज्यादा है तो आप इसमें दो जोड़ जोड़ना है, मतलब अगर ज्यादा है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है, 102 में जोड़ते हैं कितना आएगा 104, बाद में जो हमने जोड़ा या घटाया उसका भी क्या करना पड़ता है स्क्वायर, और वो लिखना पड़ता है 2 का स्क्वायर होगा 4, उसको हमने 2 अंकों में लिख दिया, कितना हो गया यहाँ पर 1040 4, अगर यहाँ पर आ जाए आपका कि आप 103 का स्क्वायर करिएगा, किसका 103 का, तो सिंपल देखिएगा ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, तो इसमें 3 जोड़िए कितना हो जाएगा ये 106 हो जाएगा, 106 हो गया, लास्ट में इसका स्क्वायर लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 डिजिट लिख दीजिएगा। सेकंड होगा आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहे मोबाइल से कैलकुलेट कर लें चाहे दोस्तों किसी और चीज पे कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर यही आने वाला, सबसे पहला पॉइंट कंपटीशन का यही माना जाता है, अगर कहीं से भी आप समय चुरा लेते हैं, एक एक मिनट अगर आप बचा ले रहे हैं, एक एक सेकंड भी अगर आप बचा ले रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, समय की बहुत बड़ी वैल्यू होती है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। 107 का कमेंट करिएगा क्या आएगा, 107 का आंसर आपको कमेंट करना है, 107 का आंसर क्या आने वाला है, तो 7 7 14 114 हो गया, 7 7 49 सीधा लिखेंगे आप, देखिएगा सेकंड में सिर्फ 2 सेकंड भी, मैंने बताया ना 2 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है,
आप विद इन सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं स्क्वायर के लिए। ऐसे ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आपको मैथ की क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हो, जिसमें लाइव आपको क्या बताया जाएगा दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं। अब आपको एसएससी और एनटीपीसी का जो मैथ है वो स्टार्ट किया जा रहा है मेरे इस चैनल पे। आपको कंटिन्यू चीजें मिलती रहेंगी और मैं फिर तो जीरो लेवल से यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर जीरो लेवल से मैं आपकी तैयारी कराने के लिए तत्पर हूँ, ठीक है। जीरो लेवल कौन सा लेवल? जीरो लेवल, ठीक है। यहाँ पर जीरो लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी होने वाली है मैथ की। मैथ की बिल्कुल स्टार्ट करते, ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर 100 से भी ऊपर जाती है, देखिएगा 100 का तो मैंने बता दिया, 100 के आसपास की चीजें होगी। आप थोड़ा अगर और ऊपर चलते हैं तो सपोज मान के चल लेते हैं 200 के आसपास की, किसकी? 200 के आसपास के, 200 के आसपास की संख्या, आज 200 के आसपास की संख्या, 200 के आसपास की संख्या। चल रहा है 200 के आसपास। अगर 200 के आसपास सपोज आपको दे दिया जाए 196, बताइए 196 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसका बेस कितना माना है, इसका जो बेस माना है हमने वो माना है 200, तो इसकी कंपेयर भी हम 200 से करेंगे, तो 200 से कितना कम है दोस्तों? 4 कम है, तो इसमें से 4 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 92। और कंपेयर अगर 2 से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी हम करेंगे कितने से? 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 38। 4 हो जाएगा, अगर इसकी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 38। 4 फिर जितना हमने घटाया आप उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में ले लीजिएगा, फाइनली इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल होने वाला है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको वर्ग करके बताना है कितने का, यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना होगा, ये इसका स्क्वायर होगा 16, कितना होगा इसका स्क्वायर? 16, ठीक है, लास्ट इतना ध्यान देना, ठीक। अगर यही पे चीजें लिखी जाए नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सवाल का बताना है 260 का, कितने का? 260, तो 260 का स्क्वायर कितना होगा? तो जितना ज्यादा है 260 ज्यादा है तो 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 214, इसका लिखेंगे दुगना 428, कितना लिखेंगे इसका दुगना? 428। अब 428 के बाद में जो हमने 7 इसके अंदर जोड़ा था उसका करेंगे हम स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 749। इस तरीके से चीजों का आराम से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। कमेंट्स कीजिएगा कि आप मैथ की तैयारी लाइव या दोस्तों कितने बजे से आप क्लास में जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।